युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें क्या है। पहली ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए, ईरान ने इसराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी। इसराइल पर सीक्रेट हथियार से हमले की धमकी दी गई है। हमला हुआ तो सीक्रेट हथियार से जवाब देंगे ईरान की तरफ से, ये वॉर्न किया गया। और अगली बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मौत का आंकड़ा 500 से ज्यादा तक पहुंच गया। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, लेबनान के सिडोन में आरडीएफ का बड़ा हमला हुआ। मिसाइल से गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया। हमले के बाद गैस पाइपलाइन में आग लग गई, ये देखिए आप। और अब चौथी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्ला का उत्तरी इसराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला। इसराइल पर दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया। 90 मिनट में 130 रॉकेट दागे गए। इसराइल के हाइफा में हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे हैं। रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक और फॉर ब्रेकिंग, दक्षिणी बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक, 4 मिसाइलों से हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की गई, ये देखिए। इराकी जमीन से इजरायल पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली इलाके को ड्रोन से हमला करके निशाना बनाया गया। इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। और देखिए एक और फॉर ब्रेकिंग, ईरानी रक्षा मंत्रालय को कामयाबी मिली है। सिमोफ कार्गो विमान का टेस्ट किया गया, विमान का परीक्षण सफल रहा। वॉर जोन से एक और खबर आ रही है, गाजा में आरडीएफ के सैनिक को लगी है गोली। अलकसाम ब्रिगेड के शूटर ने बनाया निशाना। अलकसाम ब्रिगेड ने जारी किया है हमले का वीडियो, ये देखिए आप। और वहीं 10वीं वॉर ब्रेकिंग, जर्मनी के बर्लिन में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसक हो गई भीड़, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की गई है। सड़क पर आतिशबाजी से विरोध जताया गया, ये देखिए तस्वीर आपके सामने बर्लिन की।